गाइस आप देख सकते हैं, ये मेरा क्वार्टर है, ये पीछे साइड का है, बैक साइड। आज चैप्टर 45 डेज लीव के बाद हम लोग वापस आए, तो देखता है कि ऐसे जंगल हो गया। आप देख सकते हैं हम एक्चुअली स्टार्टिंग से दिखाना ही चाहिए था, सुबह से हम तो नहीं दिखाए आप लोगों को, लेकिन अभी तक तो हमने थोड़ा आधा काम कर ही चुका है। क्रेडिट गोस टू मेरा हस्बैंड जी, जिसने मुझे इतना मदद किया, तो ये अभी भी काम ही कर रहे हैं। ये सब पूरा जंगल देखिए, जंगल था तो अभी तो हमने निकाल लिया, देखिए पूरा। ये मैंने अप्रैल को लगाया था, तो अभी इतना लंबा तो हो गया, इतना लंबा हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे निकला ही नहीं। गच्छी इतना लंबा हो गया लेकिन नहीं निकला, प्लांट जो इतना लंबा हो चुका है लेकिन अभी तक निकला ही नहीं है। जो देखिए विंडी भी हो रहा है, द वेदर ऑफ पांगन विलेज देख सकते हैं। सुबह से साफ करने हैं हमें, अभी इसको साफ करके फिर हम जाएंगे वापस पासीघाट, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो इसको हम दोनों ट्राई कर रहे हैं कि कंप्लीट करें। क्या हो गया, आग में लग गया? देखिए मेरा टमाटर लो, बाद में जाते समय मम्मी के लिए ले जाना पड़ेगा ये सबको। मेरा किचन गार्डन का टमाटर इतना बड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन पूरा जंगल में, जंगल जंगल का बीच में अच्छा से धुन के ले जाना पड़ेगा। ये देखिए देख सकते हैं पूरा पक गया। और भी है कुछ सब्जियाँ, बाद में ख़त्म होने के बाद आप लोगों को दिखाएगा। आउच, देखिए हम लास्ट टाइम जब जाते समय हम हाथी मिर्चा लगा के गया था, लेकिन वो तो उठा नहीं है, बट यहाँ पे ये छोटा सा मिर्चा जिसको मैंने लगाया ही नहीं था वो उठ गया, देख सकते हैं। सो चलो अभी काम कंटिन्यू करते हैं वापस, फिर आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, देखते रहिएगा मेरा वीडियो। ये मेरा 2024 का फर्स्ट वीडियो होगा, फर्स्ट ब्लॉग आई मीन। ये देखिए ये सब्जी आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, हमको तो इसका नाम मालूम नहीं है, लेकिन वो ये मम्मी लोग बोलते हैं गोबर सब्जी, गोबर गोबर से उगता है क्या पता नहीं इसको, लेकिन गोबर सब्जी बोला जाता है। सो बाद में जाते समय, पासीघाट जाते समय इसको भी हम ले जाएगा मम्मी के लिए। ये देखिए गाइस पूरा काम कर करके, आई थिंक ये लोग आफ्टर आई थिंक 2 ईयर्स ऑलमोस्ट 1 ईयर्स कंप्लीट हो गया। 2023 में तो मैंने एक भी ब्लॉग्स नहीं डाला, सो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा अभी। और आप लोग ने आई थिंक मेरा हेयर कट भी नहीं देखा होगा, मैंने एक्चुअली टकला कर दिया था बाल को, बिकॉज ऑफ सम रीज़न हेल्थ इशू था, तो उसका वजह से मैंने टकला कर दिया, तो अभी मेरा बाल भी ग्रोथ हो रहा है वापस। तो चलो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, काम काम भी साथ में करेंगे, तो आपको थोड़ा सा हाईलाइट दिखाएंगे। सो गाइस ये नीचे वाला साइड जो है पूरा खत्म हो गया, अभी ये थोड़ा सा है, ये पार्ट इसको हस्बैंड साफ कर देगा बोले, तो अभी ये सबको अभी क्या करेगा, इस पहाड़ के नीचे फेंकूँगी, ये जो है ना ये नीचे पूरा पहाड़ है, देखिए पूरा खाई है दूर इसकी, यहाँ पे हमेशा लैंड स्लाइड होता है, तो ये नीचे जो है पूरा वो है खाई है, तो अभी हम ये सब जो बन रहा है उसको पूरा वो साइड ही फेंकेगा। अभी देख लीजिए
तो गाइस मेरा जो किचन गार्डन है उसका सब इतना ही मिला सब वो हो गया सर गया ना उसका क्या आइटम के है तो यही है ये थोड़ा सा कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स मिल सकता और टमाटर तो लेकिन बहुत ज़्यादा है ऑलमोस्ट बिग का ये बस्ता का थोड़ा सा आधा में पहुँचे सारा है। सो गाइस फाइनली हम अभी वापस रिटर्न बैग जा रहे हैं बस्कर की ओर सो ओनली वे ही हस्बैंड जी चलिए हमारे साथ आप लोग ये रास्ता का मज़ा ले लीजिए और आप लोगों को मैं बाद में जरूर दिखाऊंगी कैन बीना का आज आप लोगों को रिएक्शन दिखाऊंगी रिएक्शन दिखाऊंगी कि सुबह एक्चुअली ऐसा हुआ था कि वो सो रही थी और हमने मतलब लाइक उसको बोला भी नहीं कि हम जा रहे हैं सो वो सो के बैठा हुआ है तो वो ढूंढ रहा ही होगा कि लाइक मम्मा और मतलब पापा कहाँ गया तो चलो लेट्स गो टू पास गार्डन गुड मॉर्निंग गाइस कल रात एक्चुअली हम लोग रात में पहुंचे आप लोग हम सोचे थे कि केजीपी की मतलब लाइक रिएक्शन दिखाऊंगी बोल के लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग जब मतलब उसके पापा और हम जब घर पहुंचे तो क्या हुआ कि पूरा रात हो चुका है केजीपी ऑलरेडी वो सिस्लेप नो सो वही है तो इसलिए कल मतलब और हम भी बहुत थक गया था इसलिए वीडियो भी नहीं ले पाया फिर इसके बाद केजीपी को भी नहीं दिखा पाया सो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं मतलब आज को ही मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगी कल का और आज का मिला के मतलब फुल ब्लॉग अभी तक एडिटिंग भी शुरू नहीं किया तो कल का और आज का को मिला के मतलब आप लोग को हम क्या करेंगे कि एक ही साथ लाइक ब्लॉग में बनाना कंटिन्यू आज को एडिटिंग को मैं दिखाती हूँ कि वो अभी तक भी सो ही रहे सो लुक एट माय बेबी ये अभी तक भी सो ही रहे कल रात हम लोग का मतलब आप लोग को मैं रिएक्शन भी नहीं दिखा पाया इसका चलिए दिखाती हूँ आप लोग को मैं जब भी बाद में उठ जाएगा तो के जी पी को मैं दिखाऊँगी जोनी जोनी लिया गाइस देखिए अभी उठ चुका है और उठने के बाद इसका गेजू शुरू देखिए अभी भी नींद में है इसका आधा नींद हुआ है ना क्योंकि घर पे आदमी आए चीचू देखो ची नाक भी गंदा मुंह भी गंदा चिया कितना गंदा बच्चा है विराट चीचू बाय बाय करो तो बाय करो तो बाय करो तो इतना बड़ा आता देखिए उठ के देखो गुस्सा कर रहा है अभी बाय बाय नहीं करेगा ओके बाय बाय चुकचुक बाय बाय सो गाइस इसका भी मूड नहीं है सो ये देखिए अभी उठने के बाद इसका ऐसे हमेशा रोजाना ऐसे ही चलते हैं एवरी मॉर्निंग उठेगा गुस्सा शुरू इसका यही है क्या कर रहे पता नहीं अपना धुन यहाँ पे मैंने कुछ टेक्निकल इशू के कारण साउंड को म्यूट कर दिया लेकिन चलिए हम आप लोग को कुछ सब लोग से इंट्रोडक्शन कराते हैं ये है किनबिना का न्यू भैया सुक्रू भैया रिसेंटली किनबिना के लिए मतलब आया हुआ है मेरे साथ बैठने के लिए किनबिना का न्यू भैया और यहाँ पे आप लोग को चलिए मिलाती हूँ यहाँ पे है मेरा फादर इन लॉ जो है किनबिना का दादाजी सो ये है मेरा प्रिय लोटा जीजाजी मतलब मेरा एक ही जीजाजी है जो कि मेरा लोटा जीजाजी है और आज ये हमारे मतलब हम लोग का फैमिली के लिए आज फिश करी बनाने जा रहे हमारे घर का न्यू मास्टर शेफ और ये बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं सो ही वॉज़ वेरी एक्सपर्ट इन कुकिंग सो आई अप्रिशिएट
कि बहुत अच्छा लड़कों, मतलब ऐसा नहीं होना है कि लड़का सिर्फ खाना जानना है, लड़का लोग को भी, लड़कियों का हेल्प, आई मीन पत्नी का, बहन का, दीदी का, जो भी है, अपना मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब लोग के लिए खाना वाना बनाना सीखना चाहिए। सो आई अप्रिशिएट माई जीजा जी, ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन कुकिंग। ओके गाइस, तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओके डीन, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।